काम किया है, ये लगातार शुरू दिन से ही महागठबंधन तोड़ने के प्रयास में रहे हैं, हमें बदनाम करने के प्रयास में रहे, सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि पूरे बिहार को बदनाम करने की साजिश इन लोगों ने रचने का काम किया है। क्या हम लोग बात कर लेने दीजिए, आपको जो पूछना है। हमने किस बात की? हमने गरीबों की बात की, हमने किसानों की बात की, मजदूरों की बात की, नौजवान की बात की, रोजगार देने की बात की, प्रधानमंत्री को उनके किए गए वादे को निभाने की बात की। इस बात की हम लोगों को सजा दी जा रही है क्योंकि हम पिछड़े परिवार से आते हैं, इस बात की हमको सजा दी जा रही है। हमने बिहार के लिए खून पसीना लगा करके, ईमानदारी से मेहनत करके तरक्की तक पहुंचाने की बात की, इसलिए हमारे ऊपर षड्यंत्र रचा जा रहा है। और आप ये देखिए, जब हम बड़े हो गए, जब हमारे पास सत्ता आई, पावर आई, मंत्रालय आया, तब हमने कोई गलत काम नहीं किया। और 13-14 साल के उम्र का बच्चा वो राजनीतिक षड्यंत्र करके घोटाला करेगा, गलत काम करेगा? मतलब 13-14 2004 का मामला, 14-15 साल उम्र होगी, हम गलत काम करेंगे? जब मेरा मूंछ भी नहीं आया था तो हम गलत काम करेंगे? आज हम उप मुख्यमंत्री बने, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, तब कोई गलत काम नहीं किया। और उस समय ना मेरे पास कोई पद था, हम तो बच्चे थे। जिस कंपनी में आरोप आया था उसमें आपका नाम मूंछ भी नहीं आया था। आरोप, ये आरोप आरोप नहीं है, ये षड्यंत्र और साजिश और झूठा और फर्जी आरोप है। हम जनता के बीच जाएंगे, बिहार के जनता ने हमको यहाँ चुन करके भेजा है, उस महान जनता के मैंडेट का हम रिस्पेक्ट करते हैं। अपनी बातों को हम जनता के बीच जाएंगे और बिहार की जनता हमारे साथ खड़ी है, बिहार का नौजवान हमारे साथ खड़े हैं। बीजेपी को आने वाले समय में हम लोग मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे।